हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। मैं हूं विशाल और आज के लेक्चर में एक जनरल आइडिया हम देखेंगे कि ये क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। इसको आप कई बार सुनेंगे, स्पेशली सर्फेक्टेंट और सॉल्युबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में आप सुनेंगे कि क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। तो हम समझते हैं कि इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जब कोई भी आपके सर्फेक्टेंट जो होते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो हम उसको बोलते हैं माइसिल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये फॉर्म कैसे होता है, क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसको हम समझेंगे। तो सर्फेक्टेंट हम सबसे पहले समझते हैं कि सर्फेक्टेंट होते क्या हैं। तो सर्फेक्टेंट एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें पोलर और नॉन पोलर पार्ट होता है। पोलर पार्ट का मतलब होता है ये वाटर सोल्युबल पार्ट, जो पोलर हेड भी बोलते हैं, और नॉन पोलर टेल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर टेल, जिसको कि हम नॉन पोलर पार्ट बोलते हैं, मतलब लिपिड सोल्युबल पार्ट बोलते हैं। तो ये एज अ मोनोमर की तरह होते हैं। मोनोमर मतलब एक सिंगल यूनिट होते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन फॉर्म में, जब हम किसी सॉल्वेंट में इनके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, सर्फेक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को, तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऐसा आता है, वो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सर्फेक्टेंट जो इस तरीके का माइसेल फॉर्म कर लेती है, तो उसको हम बोलते हैं माइसेल, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। तो क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, जिस पॉइंट के बाद में यदि कॉन्सेंट्रेशन यदि बढ़ाया तो वो आपका माइसेल फॉर्म कर लेगा। तो ये एक स्टडी हमको बताती है कि कौन से सर्फेक्टेंट की सीएमसी वैल्यू कितनी है, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन कितने। कई सर्फेक्टेंट ऐसे होते हैं बहुत कम क्वांटिटी में माइसेल फॉर्म कर लेते हैं, कई सर्फेक्टेंट ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माइसेल फॉर्म करते हैं। मिनिमम 50 मोनोमर जो है आपके जो है माइसेल फॉर्म कर लेते हैं। अब नॉर्मल तरीके से हम देखें कि जब हम नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल पानी से कपड़े को वॉश करते हैं, धुलते हैं, तो वो उतनी जल्दी से साफ नहीं होते हैं, लेकिन हम डिटर्जेंट जब उसमें ऐड कर देते हैं तो डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें माइसेल फॉर्म बनाने की कैपेबिलिटी होती है। तो ये जो नॉन पोलर पार्ट होता है ऑयल सॉल्युबलाइज करने वाला, ये डस्ट पार्टिकल को, ऑयल पार्टिकल्स को अपने साथ में जो है मिक्स कर लेता है और ये वाटर के साथ में मिक्स हो जाता है और इजिली वो कपड़े से अलग हो जाता है। तो ये जो माइसेल कॉन्सेंट्रेशन होती है, उस कॉन्सेंट्रेशन में जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो बेस्ट सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होते हैं। तो कई सारी जो ड्रग्स को है इस तरीके से, जिनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है अच्छी, उनकी हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं बाय द माइसेल, उनका माइसेलर फॉर्म बना के। तो एक जनरल आइडिया माइसेल, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। एक चीज और, जिस पॉइंट में हमको ये क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन मिलता है उसको हम इनफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। अब इनको हम कई मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी मेथड, सरफेस टेंशन मेथड, टर्बिडिटी मेथड और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कुछ मेथड्स हैं। कंडक्टिविटी मेथड को हम समझते हैं क्या होता है कि जैसे नॉर्मल यदि हम बात करें तो ये यदि आयोनिक है हमारे सर्फेक्टेंट तो वो क्या होते हैं, आयोनिक फॉर्म में वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन वो कंडक्टिविटी लेस हो जाती है। तो इससे हमको आइडिया लग जाता है कि उनका क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट क्या है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।